Assalamualaikum kids, how is everyone today? Seems very fresh and good. Alhamdulillah. Well, me fine as well. Thank you. अच्छा बच्चों, आज की लेसन की जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारी इंग्लिश पेयर टू की है. सो ऑल ऑफ़ यू टेक आउट द बुक्स इंग्लिश पेयर टू एंड टू द पेज नंबर 61. ठीक है, पेज नंबर 61 खोलेंगे हम. ठीक है, पेज नंबर 61 पे देर आर थ्री आइकन्स. ठीक है, What are they? Read, trace and color. ठीक है, उसके बाद हमने डेट डालनी है. डेट डालने के बाद क्या है बच्चों, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं इन पेजेस के ऊपर. इन पिक्चर्स को हम देखते हैं किन चीज़ों के पिक्चर्स हैं. हमारे पास हैं की, kangaroo एंड अ काइट. ठीक है ना बच्चों. अच्छा, क्या है कि इनके अंदर आपको कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ रही होगी ना. इन तीनों पिक्चर्स में हमें कुछ फील हो रहा है. हमें क्या फील हो रहा है, लाइक इनकी जो बिगिनिंग साउंड है वो सेम है. इनकी बिगिनिंग साउंड सेम किस तरीके से, जैसे की में ख है शुरू में, इसी तरह से कैंगरू में ख है और इसी तरह से काइट में ख है. तो आप देख भी सकते हैं कि उसके साथ ही एक बुक में भी हमारे पेज पर नज़र आ रहा है, एक ख इज़ देयर, अ बिग ख इज़ देयर. ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, हमने अंडरस्टैंड करना है बिगिनिंग साउंड को. बिगिनिंग साउंड हमें समझ में आ गई इन तीनों पिक्चर्स की जो है वो है ख, और द लेटर रिटन ओवर देयर इज़ ऑल्सो ख. ठीक है, उसके ऊपर डॉटिकल लाइन्स में हमने ट्रेसिंग करनी है. आपको तो पता है माशाल्लाह से, पहले से ही आप लोग समझ जाते हैं कि डॉटिकल लाइन्स गिवन है तो इट मीन्स हमें ट्रेसिंग करनी है. अच्छा, ख पे ट्रेसिंग करने के बाद नीचे हमारे पास कुछ लाइन्स हैं, उसके ऊपर हमें कुछ डॉटिकल्स में ख गिवन है. ठीक है, हमें उन ख के ऊपर ट्रेसिंग करनी है बहुत अच्छे से, नीटली. बस डू रिमेंबर वन थिंग कि हमेशा ख जो होगा वो हमेशा फर्स्ट थ्री टॉप लाइंस में होता है, उसके अलावा ना ऊपर ना नीचे. ठीक है, लिखते वक्त आपने इस बात को ध्यान में रखना है, शुरू की तीन लाइंस में ही ख को लिखना होता है. ठीक है बच्चों, ट्रेसिंग कंप्लीट करने के बाद हमने क्या करना है, हम मूव करेंगे पेज नंबर 62 की तरफ. पेज नंबर 62 पे क्या है, पेज नंबर 62 पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं और एक बिग ख भी है. अच्छा, बिग ख को देखिए आप, यहाँ पर एक डॉटिकल लाइन की हेल्प से इन्होंने जॉइन किया हुआ है, यानी कि इसको मैच किया हुआ है विद द पिक्चर ऑफ अ की. वाई बच्चों, आपके समझ में आ रहे क्यों, इसलिए कि की बोलते वक्त हमें पता चल रहा है साफ कि कीज की जो बिगिनिंग साउंड है वो है ख, तो हमने उसको मैच करा हुआ है उसको ख के साथ, बिग ख के साथ. इसी तरह हमारे पास फर्स्ट पिक्चर में जो है बच्चों वो है एक बॉल. ठीक है, बॉल एंड ख, बॉल एंड ख, डू द मैच, डू द बिगिनिंग साउंड्स ऑफ द वर्ड्स मैच बच्चों, नहीं ना, मुझे भी मैच करती हुई नहीं लग रही. चलें ऐसा करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं. ठीक है, फिर हम चलते हैं सेकंड पिक्चर की तरफ. सेकंड पिक्चर में बच्चों क्या है हमारे पास, इट्स अ पिक्चर ऑफ केचप. केचप को हम देखते हैं मैच कर रहा है या नहीं. केचप खा, केचप खा. सी द बिगिनिंग साउंड ऑफ द बोथ थिंग्स आर सिमिलर, दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक डॉटिकल लाइन की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे, यानी कि मैच कर देंगे. ठीक है, उसके बाद की पिक्चर जो है वो एक कैटल की है. अब यहाँ पर बच्चों आपकी बारी है, मैंने तो आपको समझा दिया, अब यहाँ पर आपने देखना है कि इस पिक्चर को मैच करना है या नहीं. ठीक है, उसके बाद अच्छी तरीके से मैच की एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 63 के ऊपर. छोटा सा काम है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं. सही है ना, पेज नंबर 63 के ऊपर हमें एक पिक्चर में की नज़र आ रही है. ठीक है ना, देयर इज़ अ की ओवर देयर. उसके साथ ही कुछ लाइंस में हमें कुछ लेटर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं. एंड व्हाट आर दे आर ख. डॉटिकल लाइंस में कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं जो कि ख हैं.
हमने क्या करना है? यस एग्जैक्टली, बिल्कुल, आप सब तो बहुत समझदार हैं माशाल्लाह से। हमने इनके ऊपर करनी है नीटली और नाइसली ट्रेसिंग। हम ट्रेसिंग करेंगे, उसके बाद ट्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ एम्प्टी लाइंस भी नीचे दी गई हैं ना बच्चों। एम्प्टी लाइंस का क्या मतलब है ये भी आप समझते हैं माशाल्लाह से, सारे बच्चे बहुत समझदार हैं। इन खाली लाइंस के अंदर हमने लेटर को लिखना है, यानी ख को लिखना है, राइट करना है नीटली, बिल्कुल फाइन तरीके से। लेकिन इसके लिए हमने इंडिपेंडेंट राइटिंग करनी है, यानी कि हमें सेल्फ राइटिंग करनी है, खुद से सारे ख लिखने हैं। उसके बाद क्या करना है, सारे ख कंप्लीट करने के बाद, राइटिंग कंप्लीट करने के बाद, हम ये अपनी एक्सरसाइजेस अपनी आंटी को चेक कराएंगे, ताकि अगर उसके अंदर कोई चीज़ करेक्ट करनी हो तो वो करेक्शन कर दें। लेकिन मुझे उम्मीद है मेरे सारे बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत सारे स्टार्स और गुड उनको मिलते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम अपनी बुक्स को सेफली अपने स्कूल बैग्स के अंदर रखेंगे और फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट लेसन की वीडियो में इंशाल्लाह। कल आपसे मुलाकात होगी, जब तक आप सबने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और अगर सबके घर में छोटे भाई बहन हैं तो उनका भी ख्याल रखना है और अपने मामा बाबा का भी ख्याल रखना है। फिर हम सब मिलेंगे कल इंशाल्लाह बच्चों। अल्लाह हाफिज़।